ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते खबरों में आके, राजीव गांधी किसान न्याय पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। 21 मई को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम किस्त किसानों के खाते में पहुंचेगा, लेकिन विपक्ष ने इस योजना को अन्याय योजना कहकर सियासत गरमा दिया है। भाजपा के बयान पर मुख्यमंत्री ने भी करारा जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना अब राष्ट्रीय स्तर पर भी जल्द ही दिखाई देगा। केंद्र सरकार ने भी इस योजना की सराहना की है। राजस्थान में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी इस पर चर्चा हुई, जिसमें योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए प्रचार करने की भी तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार के सराहना के बावजूद भी प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर सत्ता पक्ष पर तंज कसने में पीछे नहीं है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर कहा है कि राजीव गांधी के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अन्याय योजना चलाया जा रहा है। 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम किस्त के रूप में करीब 1,700 करोड़ रुपए किसानों को ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें कि बीते दो वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खातों में करीब 12,209 करोड़ का भुगतान कर चुका है। न्याय योजना से एक ओर किसान लाभान्वित हो रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस योजना को लेकर सरकार को घेरने की पुरजोर रणनीति बना ली है। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने राजीव गांधी न्याय योजना को अन्याय योजना करार दिया है। उनकी माने तो प्रदेश के किसानों को सरकार केवल धोखा देने में लगी है। पहले तो छत्तीसगढ़ की अपने नेता राजीव जी के नाम से जो अन्याय योजना चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों का, जिस दिन इन्होंने ये कहा था न्याय योजना में हम 10,000 रुपये देंगे, 2,500 रुपये देंगे, उस दिन धान का समर्थन मूल्य 1,650 रुपये था। आज धान का समर्थन मूल्य 1,980 रुपये हो गया है। एक क्विंटल के पीछे 350 रुपये, 15 क्विंटल में 5,000 रुपये भूपेश बघेल की सरकार किसानों का खा रही है। अगर यही राजीव गांधी अन्याय योजना है तो अच्छा है, मुबारक हो कि पूरे देश में लागू करें और किसानों का पैसा खाएं। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करारा जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना की चर्चा आज देश भर में हो रही है। सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद की कीमत छत्तीसगढ़ के किसानों को ही मिल रहा है। सीएम ने कहा कि लोग इस योजना की तारीफ भी कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री पर तंज कसते हुए उन्हें सेठ की उपाधि भी दे दी। देखिए, आज पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा यदि कृषि उत्पाद की कीमत यदि मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में, चाहे वो धान हो, चाहे वो मिलेट से हो, कोदो कुटकी रागी हो, चाहे लघु अनुपज हो, सबसे ज़्यादा संग्रहण भी हम लोग कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा रेट भी छत्तीसगढ़ के, चाहे उत्पादक हो चाहे लघु अनुपज संग्राहक हो, उसको मिल रहा है, इसकी चर्चा पूरे देश में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ पिछले समय 4 किस्त मिल गया, एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जो बोला होगा ना मिला। सेठ बृजमोहन जी को तो अन्याय ही लगेगा, किसानों की बात हो रही तो उनको कैसे बर्दाश्त होगा। बहरहाल, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत से प्रदेश के किसानों को समय समय पर धान का उचित दाम मिल रहा है, जिससे लगातार धान खरीदी भी बढ़ी है और किसानों को अब मोहताज होना नहीं पड़ रहा है। लेकिन विपक्ष का धर्म है सरकार के कार्यों की मीन मेख निकालना, तो वे अपना काम बड़े ही संजीदगी से कर रहे हैं। किसानों के मिलने वाले लाभ पर तो किसान ही बोलेंगे ना, हम कैसे। रफ्तार मीडिया के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट ताकेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया की रिपोर्ट। तो बलौदाबाजार के विश्व प्रसिद्ध बाबा गुरु घासीदास जन्मस्थल प्रांगण गिरौदपुरी धाम की, जहां सौंदर्यीकरण पिछले 5 सालों से विभागीय उदासीनता साथ ही ठेकेदार की लापरवाही के कारण आज तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है, और कुछ कार्य हुआ भी है तो वह पूरी तरीके से लापरवाही के साथ हुआ है। जब जन्मस्थली प्रांगण पूरी तरह से खंडहर तब्दील हो गया, वही ग्रामवासियों द्वारा कई बार संबंधित विभाग को शिकायत किया गया, लेकिन अभी तक उसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जिससे समाज के सभी लोग आक्रोश में हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति उदासीनता को देखते हुए ग्रामवासी और क्षेत्रवासी सामाजिक लोगों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जन्मस्थली प्रांगण के कार्य को हम सब मिलकर करेंगे और शासन से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेंगे।
हम लोग चाहते हैं कि हम जन्म स्थल पर बनाएं और एक समिति गठित करके मॉडल तैयार करके, है ना, मॉडल तैयार करके चाहते हैं कि मंदिर के भव्य निर्माण करें यहाँ पर, और समाज के द्वारा करेंगे, कोई सरकारी या कोई नेता इससे हमको सपोर्ट नहीं चाहिए। हम अपने समाज के और छत्तीसगढ़ जितने भी सतनामी समाज है उससे सहयोग लेकर के चाहते हैं कि एक समिति गठित करें और पंजीयन करा करके ये मॉडल तैयार करके आगे की क्या सहयोग चाहते हैं सतनामी समाज से, और बनाना चाहते हैं भव्य मंदिर गिरौद के रूप में, और भी यहाँ जन्म स्थल बनाना चाहते हैं। तो वही देखा जाता है कि जब भी नेता यहाँ कुछ कार्यक्रम होता है, यहाँ की जो गिरौदपुरी धाम के बात को लेकर बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, वह विकास कार्यों की सौगात देते हैं, इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? गिरौदपुरी में भी प्रशासन द्वारा किस प्रकार से विकास कार्य हुआ? विकास तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है, शासन प्रशासन आपके सामने है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ शासन प्रशासन से कोई विकास नहीं हुआ है। हम बीजेपी शासन भी देख चुके हैं, कांग्रेस शासन भी देख चुके हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी समाज से, सतनामी समाज से, गिरौदपुरी के सतनामी समाज से हम लोग ये विकास करना चाहते हैं, और भी भव्य मंदिर बने और एक अच्छा मतलब प्रारूप बना के दें, मॉडल तैयार करें और समिति गठित करने के बाद ही हम इसका आगे का जो कार्रवाई। प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वही दूसरी तरफ उनके ही सरकार में पुलिस से लेकर मंत्री तक उनकी बात सुनने को राजी नहीं होते हैं। दरअसल बेमित्रा जिले के सिलघट निवासी पीड़िता ने कई बार अपनी फरियाद लेकर पुलिस थाने से लेकर तमाम अधिकारियों तक पहुंची, लेकिन उसकी फरियाद कोई नहीं सुने और उन्हें थाने से भगा दिया गया। पूरा मामला कंडरका थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के मुताबिक वे शिक्षिका है, उन्होंने बताया कि उनकी पति शराबी है और उनके साथ आए दिन मारपीट करते हैं, ससुराल वाले भी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। एक और जहां उसके साथ मारपीट की वारदात हो चुकी है तो अब उसे बदनाम करने की भी साजिश रची जा रही है। उन्होंने बताया कि मारपीट की वारदात के बाद मेडिकल जांच में पुष्टि होने के बावजूद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। वही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य महिला आयोग के पास भी वह अपना दर्द बयान कर चुकी है, लेकिन उससे भी वहां से कोई मदद नहीं मिला। मोर ससुराल वाले मन मोर संग षड्यंत्र करे हे, अपन गलती छुपाए बर मोला बदनाम करे के साजिश करे हे। मोर पति हमेशा से ही मोर ऊपर शक करते, मारपीट करते और दूसर शादी के धमकी देते। मोर ससुर नौकरी छोड़े के दबाव डालत रही से, मोर पति खुद नशा करते और हर महीना मोर कॉल डिटेल निकाल के, वो कॉल डिटेल में कोनो लड़का के नंबर रहते तो कर शक करते और मारपीट करते, धमकी दे के ऑडियो रिकॉर्ड करे हे और हमेशा से ही बदनाम करे के धमकी देवत रही से। 13 अप्रैल को मोला जान से मारे के कोशिश के चलते मोर संग बहुत मारपीट करे हैं। ये सब चीज़ के राजनीतिक फायदा उठाए बर जैसे कुछ असामाजिक तत्व मन मोर नाम और मोर फोटो ला दूसर लड़का के नाम और फोटो के साथ जोड़ के अभद्र शब्दों के साथ सोशल मीडिया में वायरल करे हैं, जेकर से मोर निष्ठा और आत्मसम्मान ला बहुत चोट पहुँचे है। मैं एक महिला से एसपी ऑफिस महिला थाना कंडरका चौकी और महिला आयोग और नेता मन के घर के चक्कर काटा था, अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुए हैं। राजनीतिक दबाव अतका है कि मोर हिसाब से एफआईआर लिखे बर तैयार नहीं है। बयान के नाम में पुलिस वाले मन मोला परेशान कर रहे थे और चुपचाप घर में बैठ जा के सलाह देवे थे। अगर आप मन बताओ आप मन के बहनी बेटी माँ पत्नी संग में इसने होती तक आप मन बर्दाश्त करते हो? आज अगर मोर साथ कुछ भी गलत हुआ थे तो ओकर जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन हो ही, और अगर मोला न्याय नहीं मिली तब मोर पास कोई रास्ता नहीं रहा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।